मेरा नाम विक्रम है और मेरे को 3D विजुलाइजिंग में तकरीबन 10 से 11 साल एक्सपीरियंस हो चुका है और DFI को ज्वाइन किए हुए लगभग मुझे 2.5 साल हो गए हैं। और DFI में आने के बाद एक्चुअल में जो आर्टिकल डिज़ाइनिंग है उसके बारे में पता लगा कि आर्टिकल डिज़ाइनिंग क्या चीज़ होती है और किस तरह से इसको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, किया जा सकता है। मतलब माय वर्क वेरी क्रिएटिव फील्ड एंड और जब भी मतलब एक नया चैलेंज होता है रोड डेली के लिए कि एक नई कोई चीज़ बनाने को मिलेगी तो काफ़ी क्रिएटिव चीज़ है। और जब भी मतलब ऑफिस आते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ एक न्यू डिज़ाइन करेंगे कुछ चीज़ को और फाइनल आउटपुट जब निकलता है तो वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट चीज़ होती है फ्यूचर के लिए भी और खुद के लिए भी। एक्चुअली DFI का नाम जब मैंने सुना था तो ऑब्वियसली मतलब कंपनी का बहुत बड़ी है और नाम भी काफ़ी है कंपनी का मतलब इंडिया के अंदर, तो मतलब यही था कि पता नहीं वर्क कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर। तो DFI इज़ ए बिग फर्म। मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट की बात करें तो एक IT टावर हमने डिज़ाइन किया था जो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट है, वो लॉन्च भी शायद कुछ टाइम बाद होने वाला है, तो बहुत अच्छा वर्क उस पर हुआ था। एक्चुअली एक वर्ड में तो खैर नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ जो एक्सपीरियंस है वो अप एंड डाउन हमेशा ही चलते रहते हैं। जैसे कि कई बार जब काम ज़्यादा आता है तो वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो लगता है कि बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन जब इंजॉय की बात आती है तो जैसे सेलिब्रेटिंग होता है, बर्थडे सेलिब्रेट होता है और फेस्टिवल्स आते हैं और भी इवेंट्स होते रहते हैं, जिस तरह के कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिला तो कहीं बाहर चले गए मतलब बॉस लोग और पूरी टीम के साथ। लास्ट टाइम हम लोग रेडिसन होटल गए थे तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। तो यही है कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वैसे, क्योंकि जो नॉलेज बॉस के साथ वर्क करने में मिलती है वो शायद कहीं और नहीं मिलती। और एक ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं एक IITian बॉस के साथ वर्क कर रहा हूँ और उनका जो नॉलेज है आर्किटेक्चर को देखने का वो नज़रिया बिल्कुल अलग है। वो चाहते हैं कि चीज़ जो कुछ भी हम बना रहे हैं ना वो एक यूनिक चीज़ बने। तो आई थिंक माई एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस।